धाकड़ धामी, धर्म रक्षक धामी, युवा विकास पुरुष धामी। जी हाँ, बात करने जा रहे हैं सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बारे में। लेके आए हैं आपके समक्ष बड़े आंकड़े। स्वतः ही अपना जो कब्जा है वो हटा लें, अपना अतिक्रमण हटा लें। उत्तराखंड देवभूमि है, ये धर्म का, संस्कृति का, अध्यात्म का केंद्र है। जी हाँ, मौजूद हूँ इस समय IIM काशीपुर में, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री NDतिवारी जी की देन थी। दो बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे व एक बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे। जहां गए वहां भारी उद्योग लेके आए, उद्योग स्थापित किए, रोजगार दिया युवाओं को। उसके बाद जो उत्तराखंड में जब आए तो यहां भी उद्योग लेके आए। एक नया प्रदेश था, कीर्तिमान स्थापित करते जा रहा था। उसके बाद आज अगर बात हो रही है पुष्कर सिंह धामी की, जो युवा विकास पुरुष के नाम से आज प्रसिद्ध होते जा रहे हैं युवाओं में, क्योंकि 3.5 लाख करोड़ के MOU हुए हैं। मैंने बोला क्या लक्ष्य रखा है धामी जी आपने, तो उन्होंने कहा 2 लाख करोड़ का। परंतु आज 3.5 लाख करोड़ के MOU समाप्त हो चुके हैं। मैं धामी जी के नेतृत्व में समग्र उत्तराखंड के प्रशासन को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और बधाई देना चाहता हूँ। जी हाँ, ये आंकड़े बहुत ही सही और सटीक है उसको अमली जामा पे पहनाने के लिए। ये कटबद्ध है, कमर कस चुके हैं, अपने अधिकारियों के साथ मीटिंग्स कर रहे हैं ताकि जवाब दिया जा सके उन लोगों को जो कह रहे हैं कि धरातल पे नहीं उतरेगा ये 3.5 लाख करोड़ के MOU को धरती पे, धरातल पे उतारने के लिए कटबद्ध है और उसके लिए कमर कस चुके हैं। इसके बाद बात करें क्यों ट्रेंड कर रहे हैं पुष्कर सिंह धामी युवाओं में। जी हाँ, सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा ट्रेंड में है इस समय पुष्कर सिंह धामी। मुख्यमंत्रियों की बात करें तो फेसबुक पे सबसे ज्यादा जो फॉलोअर्स हैं वो पुष्कर सिंह धामी के हैं। जी हाँ, इसके बाद बात करना चाह रहे हैं धर्म रक्षक की, जो धर्म रक्षक की हम बात करना चाह रहे हैं, कड़े फैसले लेते हैं। यदि बात करें हम धर्मांतरण कानून की तो सख्त कानून लेके आए और जहां जहां आवश्यकता थी कहीं भी प्रदेश में उसको लेकर त्वरित फैसले करते हैं। और दूसरी बात जो हम करना चाह रहे हैं आपके साथ, धाकड़ धामी, जी हां, नकल विरोधी कानून लेके आए। यदि कोई भ्रष्टाचार में लिप्त होता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई करते हैं, त्वरित कार्रवाई करते हैं, क्राइम बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। इसीलिए युवाओं को देखते हुए, क्योंकि युवाओं में बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं, तो इसीलिए लेके आए हैं DGP को, जो कि खुद एक युवा DGP है, अभिनव कुमार जी को कार्यवाहक DGP के रूप में लेके आए हैं। कड़े फैसले ले रहे हैं। पूरे भारत में सबसे शांत और सुरक्षित राज्य अगर कोई है तो हमारी देवभूमि है, हमारा उत्तराखंड है। इसकी कानून और व्यवस्था पूरे देश में सबसे कम अपराध दल वाले राज्यों में से एक राज्य उत्तराखंड है। हम ये आपके पास समक्ष आपके लेके आए हैं ये सारे आंकड़े, क्योंकि आज अन्य प्रदेशों की बात करें हम तो जहां जहां प्रदेशों में हम जाते हैं तो हमें अपने सूबे के मुख्यमंत्री का नाम बताने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, क्योंकि हम चाहे दिल्ली जाएं, चाहे हम कहीं भी जाएं अन्य प्रदेशों में, उत्तर प्रदेश जाएं, आज हर एक इंसान के मुंह में रहता है आप जहां से आए हैं वहां पे सूबे में जो मुख्यमंत्री है वो पुष्कर सिंह धामी है। जी हाँ, NDतिवारी के बाद जो ये इनको उपाधि युवा विकास पुरुष की मिलती जा रही है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, और पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री काल में उत्तराखंड ने सबसे ज्यादा प्रगति करने का काम किया है। ये उसके पीछे कड़ी मेहनत और ये सारे आंकड़े हैं। जी हाँ, तारीफ करेंगे जो मेरे प्रदेश के लिए लड़ेगा, जो मेरे प्रदेश के युवाओं के लिए लड़ेगा, और हम उनके सभी आंकड़े आपके समक्ष रखेंगे जो अच्छा काम मेरे प्रदेश के लिए करेगा। मैं बात करना चाह रहा हूँ आपसे युवा विकास पुरुष की, क्योंकि पलायन को लेकर बहुत वादे हुए परंतु एक नई नीति के साथ आए हैं। ये 6 एरोमा वैली लेके आने जा रहे हैं हमारे उत्तराखंड में, जिससे पलायन रुकेगा।
मिलेगा, जो हमारे पर्वतीय क्षेत्रों के किसान हैं वो लाभान्वित होंगे, उनको रोजगार मिलेगा। उसके साथ ही मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि आपको ये जो काशीपुर में एरोमा पार्क के लिए ये सबसे बड़ा एरोमा पार्क स्थापित होने जा रहा है। युवा विकास पुरुष इसलिए भी कहे जा रहे हैं क्योंकि प्रदेश के अंतिम छोर के व्यक्ति तक विकास पहुंचाने के लिए कठिन कार्य कर रहे हैं। बात करें यहाँ पे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की, सबसे ज्यादा दौरे उत्तराखंड में हो रहे हैं और बार बार वो पीठ थपथपा रहे हैं पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा किए गए कार्यों की। धन्यवाद, जुड़े रहिए सुरागी लाल के साथ। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।